सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ मिरर क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हो, मिरर क्यूब दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, मिरर क्यूब इस तरह से दिखता है और मिरर क्यूब स्क्रम्बल होने के बाद बहुत अजीब तरीके से दिखता है। तो लोग बाग इसकी स्क्रम्बलिंग देख के ही डर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं, मिरर क्यूब बहुत ईजी है और बहुत सारे लोग तो इसका एक कलर देख के ही डर जाते कि पूरा क्यूब एक कलर का, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, मिरर क्यूब सेम टू 3x3 जैसा होता है। 3x3 जैसा ही होता है, इसमें 3x3 जैसा इसमें सेंटर होता है, इसमें एजेस होता है, बस इसमें थोड़े सेफ शिफ्ट होते हैं, इसमें अलग अलग साइज के पीस होते हैं, इसलिए ये बिगड़ने के बाद इसके सेफ शिफ्ट हो जाता है पूरा, इसलिए आपको डर लगता है इसको सोल्व करने में। बाकी ये क्यूब बहुत ईजी, स्टार्टिंग में मुझे मैंने सीखा ना तब मुझे बहुत ईजी लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिरर क्यूब सिखाने वाला हूँ। मिरर क्यूब सीखना है तो आपको दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, और अगर आपको 3x3 नहीं आता है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों, मिरर क्यूब बहुत ईजी है। इसमें ये सेंटर पीस होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, और ये कॉर्नर वाले कॉर्नर पीस होते हैं, और ये बीच वाले एजेस होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए ना, और आपको 3x3 पहले सीखना ही होगा, है ना। तो मिरर क्यूब बहुत ईजी होता है, आपको वीडियो को एंड तक देखोगे, एक एक स्टेप ध्यान से समझोगे, तभी जाके आपको मिरर क्यूब अच्छे से आएगा। और ये क्यूब बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बाग बोलते हैं बहुत हार्ड क्यूब है, क्योंकि देखो ये स्क्रम्बल होने के बाद इसके सारे पीसेस सेफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्यूब है। तो दोस्तों, अब ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसी साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज लाइक करना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, अब हम वीडियो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने मिरर क्यूब को अच्छे से स्क्रम्बल कर लिया है। बहुत सारे लोग बाग तो इसकी स्क्रम्बलिंग देख के ही डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, मैं हूं आपको सिखाने वाला। तो दोस्तों, अगर आपको सीखना है तो वीडियो एंड तक देखनी होगी, मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया है ना। तो चलो, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको इसको सोल्व करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें सबसे बड़ा सेंटर पीस ढूंढना है। सबसे बड़ा सेंटर पीस, आप कहोगे सेंटर पीस में कितना पता चलता है कि सबसे बड़ा, तो मैं बताता हूँ। जैसे ये पीस आप देख सकते हो बिल्कुल अंदर जा रहा है, तो ये सबसे छोटा है, मतलब ऊंचाई में देखना हमको, हाइट उसके ज्यादा, ये पीस भी अंदर जा रहा है। देखो ये कितना ऊंचा लग रहा है दिखने में, है ना, ये इतना ऊंचा लग रहा है दिखने में, ये भी ऊंचा लग रहा है, तो हम उनको कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये भी ऊंचा लग रहा है, तो एक दो तीन, तीन मेरे को सबसे बड़े लग रहे हैं, बाकी ये तीनों तो मेरे अंदर जा रहे हैं, एक दो तीन, ये तीनों बड़े लग रहे हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, ये पीस इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, तो एक बार मैं इसको इधर लेके आता हूँ, पहले तो हम इन दोनों में देखते कौन सा बड़ा है। ये तो आप देख सकते हो ये पीस इससे भी नीचे जा रहा है, मतलब ये इसके बराबर का है, तो इससे नीचे जा रहा है, मतलब ये बड़ा है। तो अब हम इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। अब जैसे ये पीस इतना बड़ा है, तो मैं एक बार देखो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसा कि ये पीस इसके बराबर का है ना, और मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, तो ये सेंटर पीस इससे भी नीचे जा रहा है, मतलब ये सेंटर पीस इससे तो छोटा है, क्योंकि ये पीस इसका इसके नीचे जा रहा है, ये सेंटर पीस इससे नीचे जा रहा है, तो दिखती बात है इस पीस से ये छोटा है ना। तो मैंने सारे देख लिए, मेरे को सबसे बड़ा पीस ये लगा है ना, तो सबसे मेरे को बड़ा पीस सबसे ये लगा। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको टॉप में रखना है ना, टॉप नहीं तो नीचे, आप जिस भी तरह से क्रॉस बनाते हो, सबसे पहले क्रॉस, फिर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, फिर लास्ट लेयर, इस तरह से इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक इसका एज ढूंढना है, सबसे बड़ा एज दिखने में एक मेरे को ये लग रहा है दोस्तों, ये इतना लंबाई में, सबसे लंबाई में दिख रहा है। तो एक बार मैं इसको मैच कर लेता हूं, और इससे मैच करने के बाद इसके सेंटर पीस से मैच कर लेता हूं। ये भी नहीं है, ये देखो, तो हमारा एक सक्सेसफुली लग चुका है। अब दूसरा देखते हैं हम, ये थोड़ा छोटा लग रहा है दिखने में, ये दो को देख सकते हो दोस्तों, ये बड़ा लग रहा है, तो मैंने इसे मैच तो लिया, इसके सेंटर पीस से मैच नहीं किया, तो हम यहाँ पे बना रहे थे क्रॉस। तो एक बार ऊपर वाली लेयर में लेके आ गया मैं, येलो वाली में, जैसे आप उसमें देखते हो 3x3 में, येलो वाली में लेके आ गया, इससे मैच कर लिया, इसको नीचे कर दिया। तो आप देख सकते हो हमारे दो पीस सक्सेसफुली लग चुके हैं ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरे को कौन सा बड़ा, ये बड़ा लग रहा है दिखने में, पर ये ऐसे तो होगा नहीं। तो एक बार हम क्या करते थे, जैसे ये उल्टा लगा हुआ है, तो एक बार हम इसको ऐसे करके ऐसे नीचे ले लेते हैं, ये ऐसे, ये दो तो हमारे लुक चुके हैं। अब इसको इसके सेंटर पीस के साथ मैच करना है, तो एक बार इसको ऊपर कर लेता हूं मैं, सेंटर पीस के साथ मैच करके वापस नीचे कर देता हूं, तो हमारे तीन पीस सक्सेसफुली लग जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखो दोस्तों, मेरे को ये दिखने में बड़ा लग रहा है, पर इसको नीचे करता हूं तो ये छोटा है। एक बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो दोस्तों, अब मेरे को ये भी दिखने में बड़ा लग रहा है, तो एक बार इसको भी बाहर निकाल के देख ट्राई कर लेते हैं, ये होगा। तो इसको बाहर निकाल लिया मैंने, अब एक बार इसको ऐसे लगा के ट्राई कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने लगा के ट्राई किया, तो ये मेरा सही लग चुका है। तो दोस्तों,
क्रॉस इस तरह से बन जाएगा बहुत इजी तरीके से। मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़े सेंटर विश से बनाना है आपको। इसे तो सबसे सेंटर विश से बन जाएगा, बनने में कुछ भी नहीं, सबसे छोटे से बन जाएगा। पर बड़े से बनाओगे तो आपको क्या बड़े एजेस जल्दी मिल जाएंगे, इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम अब क्रॉस के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर हम इसमें कैसे सोल्व करते थे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम क्रॉस पहले सोल्व करते थे, जैसा कि मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो मैं बिगनर मेंटर से क्रॉस सोल्व किया, क्रॉस हम सोल्व कर लेते, फिर हमको ये चारों ये लगाने होते थे क्या, सेंट कॉर्नर पीस। तो एक एक करके हम चारों कॉर्नर पीस लगाते थे, एक लगाए थे जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरह से हम सारे सेंटर को सॉरी कॉर्नर पीस लगाते थे। देखो इस तरह से हमको यहाँ पे भी चारों कॉर्नर पीस लगाने हैं। तो ये हमारा क्रॉस बन चुका है, इसको नीचे रखना है। अब हमको क्या करना है, सबसे बड़ी जगह संभालनी इस कॉर्नर पीस लगाने की। देखो यहाँ पे तो छोटा कॉर्नर पीस आएगा, हमको पता है यहाँ पे भी इतना बड़ा नहीं आएगा, पर ये इन दोनों जगह पे बहुत बड़े बड़े कॉर्नर पीस आएंगे। तो सबसे पहले आपको लेयर में देखना है बड़े कॉर्नर पीस। तो एक कॉर्नर पीस मेरे को ये दिख रहा है, एक बार इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अब एक बार ये तो या तो इसमें लगेगा ये कॉर्नर पीस, या इसमें लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जगह यही है कॉर्नर पीस की। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक बार मैं इसको ऐसे, ऐसे तो होगा नहीं, एक बार ऐसे एक बार। तो इसमें अब आपको कैसे पता चलेगा, जैसे अब इसमें तो आपको पता चल जाता था कि व्हाइट कलर, इसमें व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, पर आपको इसमें कैसे पता चलेगा व्हाइट कलर कौन सा है। तो जो सबसे छोटा, जो सबसे छोटी साइड होती है, जैसे एक कॉर्नर पीस है, अब इसमें ये साइड मेरे को ज्यादा बड़ी दिख रही है, ये भी बड़ी दिख रही है, पर ये सबसे छोटी साइड है। तो ये साइड आपकी यहाँ पे आएगी, मतलब ये व्हाइट है। तो एक बार मैं इसको सही कर लेता हूँ, एक बार मैं व्हाइट को या तो फ्रंट पे लेके आता हूँ। ये देखो मिरर क्यों भटकते बहुत है ना, एक बार मैं इसको ऐसे एक एक करके लगाता हूँ। अब एक बार इसको नीचे करके देख लेता हूँ कि ये पीस यहाँ का ही है क्या। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पीस यहाँ का नहीं है, क्योंकि ये वो इससे बड़ा है। तो अब ये यहाँ का नहीं है तो जरूर यहाँ का ही होगा। तो एक बार हम यहाँ पे भी लगे लाके ट्राई कर लेते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा ये यहाँ पे मैच हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे लगेगा। तो हम कैसे आर प्राइम की मदद से ये लगा देते थे। अब ये सबसे बड़ा पीस ये यहाँ पे आएगा 100%, क्योंकि सबसे बड़ी जगह यही थी और सबसे बड़ा पीस भी यही है। तो ये डायरेक्ट मैंने इंसर्ट कर दिया, दो पीस हमारे कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, दो तो हमने मोटे मोटे देख के लगा लिए, अब हमको दो ऐसे देखने जो हमको लगता हो और सबसे बड़े हो। जैसे एक मेरे को सबसे कॉर्नर पीस ये बड़ा लग रहा है, अब ये तो या तो यहाँ पे आएगा ये, या यहाँ पे आएगा। अब इसको सबसे पहले तो मैं वाइट मतलब ये वाइट है, तो वाइट को एक बार मेरे को राइट साइड में लेके आना होगा। मैं ऐसे करके देख लेता हूँ, ऐसे करके नहीं हुआ तो एक बार वापस ऐसे करके देख लिए, ये पीस यहाँ का नहीं है। तो एक बार मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये 100% यहाँ का ही होगा। देखो ये यहाँ पे लग गया ना आर प्राइम की मदद से। अब हमको देखना है कौन सा बड़ा पीस, ये मेरे को ये लग रहा है दिखने में तो, पर ये क्या यहाँ से बड़ा है, आपको जीके देख के पता कर लेना है कौन सा पीस है। अब ये यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको आर प्राइम की मदद से इंसर्ट कर लेता हूँ। व्हाइट मैंने आपको बताया ना कि सबसे छोटी साइड जो होती है वो व्हाइट की होती है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से चारों कॉर्नर पीस भी अरेंज कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमारी फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट लेयर बनने के बाद हम क्या करते थे, कलर से कलर को मैच करते थे। ऊपर वाली लेयर में देखना था कि कौन से कलर पीस में येलो कलर नहीं है, फिर ये ऑरेंज इस साइड में एक बार दूर भेज के पेयर बना के इंसर्ट कर लेते। इसी तरह से हम सारे बना देते थे, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे अब ये उल्टा लगा हुआ है, तो एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक बार सिंपल कॉर्नर पीस अरेंज करते हैं, फिर इसको रेड साइड में रहते हैं, ग्रीन राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बेच के एक बार पेयर बना के वापस इंसर्ट कर देते। तो इस तरह से हमारी सेकंड लेयर भी सोल्व हो जाती थी। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट लेयर को नीचे रखनी है, फिर आपको एक बार कहाँ पे भी मैच कर, इसमें तो हमको क्या देख के पता चल जाता कौन सा कलर, इसमें कलर तो हमको पता ही नहीं है। तो आपको एकदम फ्लैट सरफेस वाला पीस देखना है, जैसे अब ये मेरा एकदम मैच नहीं कर रहा है, ये पीस एकदम मैच कर रहा है पीस। देखो दोस्तों एकदम मेरी उंगली के बराबर आ रहा है पीस। तो अब ये तो या तो इधर लगेगा, ये या तो इधर, तो आपको किससे पता लगेगा ये इधर लगेगा ये इधर। तो एक बार आपको ऐसे करके देख लेना है, ये देखो दोस्तों यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब ये पीस इस साइड में लगेगा। अब इधर मैं मैच करके देखूं तो इधर ये मैच नहीं हो रहा है, तो इस साइड में तो लगेगा ही नहीं ये पीस। देखो आप देख सकते हो इधर ये मैच नहीं हो रहा है, और इधर मैं लगा के बताऊं ये इधर देखो एकदम मैच हो रहा है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये पीस लेफ्ट साइड में लगेगा, तो लेफ्ट साइड में लगेगा तो हम क्या राइट साइड में बेच के ऊपर करके जिस लेयर को जिस राइट साइड में बेच के लेयर को ऊपर करके इस पीस को इंसर्ट करके पेयर बनाकर पेयर को सामने लेके आने के बाद पेयर को डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, पेयर इंसर्ट। तो हमारा एक एजिस पीस लग चुका है। तो अब ये भी मैच कर रहा है सामने, पर एक बार इधर मिला के देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, दूसरी साइड में जाते हैं।
अब कोई अच्छा बड़ा पीस देखो, ये रहा मेरा बड़ा पीस, जैसे मेरे को दिख रहा है, यहाँ से मिला के देख लिया, नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट मिला के देखो, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट मिला के देखो, यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारा पहले लग गया, तो दिखती बात है यहाँ पे लगेगा, पर एक बार अपने विश्वास के लिए एक बार यहाँ पे एक बार मिला के देख लेते। देखो दोस्तों ये यहाँ पे लगेगा, वैसे तो पीस को देख के पता चल जाना चाहिए कि किधर लगने वाला है, पर आपके लिए इजी करने के लिए ऐसे करके देख सकते हो आप। तो ये यहाँ पे लगेगा, राइट साइड में लगेगा, तो लेफ्ट साइड में भेज देता हूँ लेयर, लेयर को ऊपर करके इसको पेयर बना देता हूँ, पेयर को फिर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। दोस्तों आपको 3x3 तो सीखना ही होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सीख लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब मेरे 1-2 पीस लग चुके हैं, 2 बाकी है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो, अब कौन से भी पीस मैच नहीं कर रहे, ये मैच कर रहा है तो भी छोटे छोटे हैं। तो अब आपको जिगे देखते पता चल होगा, ये जिगे इतनी बड़ी, ये जिगे इतनी बड़ी, तो यहाँ पे बड़े बड़े एजेस आएंगे, ये तो सारे छोटे छोटे एजेस है ऊपर। तो हमारे इसमें कैसी सिचुएशन आती थी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों ये वाली सिचुएशन नहीं आती थी क्या, इधर देखना ध्यान से, ये वाली सिचुएशन आती थी ना, जैसे ये पीस इस जगह पे ही है पर ये उल्टा लगा हुआ है, तो ये पीस यहाँ का, ये पीस यहाँ का, मैं आपको देख के बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा एजिस यही है और सबसे बड़ी जगह भी यही है जिसकी, तो दिखती बात है ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि और बड़ा एजिस मेरे को कहाँ पे दिख नहीं रहा। तो एक बार इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और सिंपल ये इस कॉर्नर पीस को अंदर अरेंज कर देता हूँ। बाहर निकालने के बाद इसको जगह से मैच करके देखते, यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, यहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ का ही है क्या, फिक्स कर लेते एक बार। हाँ देखो दोस्तों ये यहाँ का ही है, तो राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बेच के इसका पेयर बना के हमको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट कर दिया तो सिंपली हमारा इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया। अब एक लास्ट बाकी रहा, अब मेरे को ये दिखने में ये बड़ा लग रहा है, एक बार इससे मैच कर लूँ, मैच हो गया। अब इधर तो पहले ही हमारा है एक, तो एक बार इसे अगर मिला के देख लेता हूँ, ये सही है देखो दोस्तों। तो अब इसको ये राइट साइड में भेजना है, तो लेफ्ट साइड में भेज के पेयर बना के इंसर्ट कर दो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे ही इजी तरीके से हमारी सेकंड लेयर भी सोल्व हो चुकी है। मैंने बोला था आपको बहुत इजी है मिरर क्यूब, तो अब सेकंड लेयर बनने के बाद हमको क्या करना है, थर्ड लेयर बनानी। तो एक बार मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये एजेस मैंने आपको समझाया था उल्टा लगा के, एक बार मैंने सही कर लिया। तो दोस्तों लास्ट लेयर में कौन कौन सी सिचुएशन आती है मैं बताता हूँ आपको। लास्ट लेयर में फर्स्ट तो डॉट वाली सिचुएशन आती है, सेकंड ये अल टाइप सिचुएशन आती है वाली, इसको तो इग्नोर करो अल टाइप। फिर थर्ड हमारे पास लाइन सिचुएशन आती है, जैसे अभी तो ये मैंने डायरेक्ट बना दिया, बाकी लाइन सिचुएशन में मैं आपको लाके बता देता हूँ। लाइन सिचुएशन इस तरह से आती है, फिर लाइन सिचुएशन के बाद हम डायरेक्ट क्रॉस बना देते हैं, इस तरह से प्लस बना देते हैं। तो अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आपको पता चल नहीं रहा कौन कौन से येलो, इसमें कैसे पता चलेगा कौन से सिचुएशन है। तो जो बैठे हुए पीस है, मतलब ये पीस खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़े है, ये भी, ये बैठा हुआ, ये खड़ा है, तो जो बैठे हुए पीस है उन पे आपको अंगुली लगा के देख लेनी है कि कौन सी सिचुएशन है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे को अपने आप देखने से पता चल गया कि ये अल वाली सिचुएशन है, ये वाली, मैं आपको बताता हूँ कौन सी वाली, ये वाली सिचुएशन है मेरे पास। तो इसमें देखो ये बैठे हुए पीस है, मतलब ये अंदर की साइड दब रहे हैं, नीचे वाली साइड में एकदम फ्लैट सरफेस से ये बना हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो अब मेरे को अल वाली सिचुएशन इस तरह से पता चलेगी, अगर डॉट वाली सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे मैं बता देता हूँ आपको। डॉट वाली सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ आपको, है ना। अगर अल वाली सिचुएशन हो तो आपको बीच में एक लाइन ऐसे दिख जाएगी, क्योंकि ये दोनों पीस तो खड़े हैं, है ना। तो अब मेरे पास वापस अल वाली आ गई, एक बार मैं इसको आपको डॉट वाली भी लाके बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे बता ही नहीं हमको। तो दोस्तों मैं डॉट वाली सिचुएशन लेके आ गया हूँ, तो डॉट वाली सिचुएशन में क्या होगा, सारे पीस कड़े होंगे, केवल एक ही बीच में दबरा होगा, तो आपको पता चल जाना है डॉट वाली सिचुएशन है ये। एक बार ये एल्गोरिथम लगाया, अफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम अफ प्राइम, फिर हमारे पास ये वाली सिचुएशन को दिखने में इस तरह से होती है, फिर हमको वापस इस तरह से लगाया, फिर हमारे पास अल वाली सिचुएशन आ जाएगी, अल को ऐसे रखना है, वापस आप एक बार एल्गोरिथम लगाओगे तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका क्रॉस बन जाएगा एकदम फ्लैट सरफेस से, है ना। तो हमारा क्रॉस बन चुका है दोस्तों। क्रॉस बनने के बाद हम क्या करते थे, इसमें क्रॉस बनने के बाद हम एजेस सही करते थे, जैसे ये दो मैच करने होते थे आपको, कलर दो मैच करने के बाद क्या करना था आपको, दो मैच हो गए, इनको पीछे रख के हम एक एल्गोरिथम लगाते थे, जिस एल्गोरिथम को हम सारे मैच करने थे। तो अब इसमें हमको दो कोई मैच करने हैं, जैसे दो कोई फ्लैट सरफेस के। अभी जैसे दोस्तों ये एक मैच हो रहा है मेरा यहाँ से, अब ये मैच नहीं हो रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है। एक बार वापस लेयर को मूव करता हूँ मैं, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। एक बार वापस मूव करता हूँ, ये मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक बार वापस मूव करता हूँ दोस्तों, ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है। तो हमारे पास कौन सी दो मैच होते हैं, तो हम इसको पीछे रख के कौन सी सिचुएशन है, ये वाली, ये ऐसे वाली सिचुएशन है ना।
तो दो मैच करने जिनको पीछे रखना है, फिर आपको ये वाला एल्गोरिथम लगाना है जो इसका आता है ना, फिर आपको वापस एक बार से मैच करके देख लेने सारे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सारे मैच हो गए। अगर आपके पास आगे पीछे वाली भी सिचुएशन आए तो एक बार आप वो एल्गोरिथम लगा लो, फिर ये वाली आ जाएगी, फिर एल्गोरिथम लगाओ तो आपके सारे ये एजेस सारे मैच हो जाएंगे अपनी जगह से। देखो ये सारे सेंटर पीस से सारे एजेस सही तरीके से मैच हो गए है ना, आप देख सकते हो। तो हम एजेस के बाद हम क्या करते थे, हमको एजेस के बाद क्या करना था, एक ऐसा पीस देखना था कॉर्नर जो उसकी सही जगह पे हो। सही जगह पे मतलब जैसे ये सही जगह पे हो, अगर ये ऐसे होता ट्विस्ट होता तो भी ये सही जगह पे माना जाता है ना। फिर हम एक बार एल्गोरिथम लगाते थे तो हमारे देखो देख सकते हो आप सारे सही जगह पे आ गए, मतलब ये येल्लो ग्रीन ऑरेंज, येल्लो ग्रीन ऑरेंज, तो ये इस जगह का पीस ही है, ये भी इस जगह का पीस आप देख सकते हो और ये भी इस जगह का। तो अब हमको इसमें किससे पता चलेगा कि कौन किस जगह का पीस है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको क्या पीस को इमेजिन करना है, इमेजिन है ना, आपको देखना है, आपको साइज देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पीस कहाँ पे लगेगा। अब जैसे मेरे को ये पता चल रहा है कि ये पीस यहाँ का नहीं, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है, ये सही भी लग जाएगा तो भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये वाला पीस यहाँ का है क्योंकि ये पीस बहुत बड़ा है इस जगह का, फिर ये पीस भी यहाँ का नहीं है, ये पीस यहाँ का है। अब ये पीस सही जगह पे लगा हुआ है, जैसे ये पतली साइड का है तो ये सही लगा हुआ है ना। फिर अब हमको इसको यहाँ पे रख के एल्गोरिथम लगाना है, एक बार लगा लिया, ये एक सही जगह पे आ गया, ये भी सही जगह पे आ गया, ये सबसे छोटी जगह, ये छोटा पीस आ गया यहाँ पे, ये सबसे बड़ी जगह यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसके बाद क्या करते थे, ये जो सोल होता है उसको सोल नहीं करते, इसको सामने लेके आते, आर यू आर पी एम से ये सही करते, इसको इधर लेके आते, दूसरा भी सही करते थे, इसको इधर लेके आने के बाद ये भी सही करते थे लास्ट में, तो हमारा सोल हो जाता। अभी जैसे मेरा एक पीस ट्विस्ट हो रहा था इस वजह से ये सोल नहीं हुआ, अभी जैसे मेरा ट्विस्ट हो रहा था है ना, तो इसको सही कर लेता हूँ मैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, जो सोल है उसको जो अपना आपका बिगड़ा हो उसको आपको इस वाली साइड में रखना है, एल्गोरिथम लगाना है, एक बार आपको सही लग जाए इसको दूसरा पीस जो खराब है उसको लेके आना है, ये लगा दिया, जो ऐसा खराब हो तो वापस उसको ऐसे लेके आओ और एल्गोरिथम लगाते जाओ तो आपका ये सोल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका मिरर क्यूब सोल हो जाएगा। दोस्तों आप मिरर क्यूब सीख गए हो या नहीं सीखे हो कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि मुझे पता चलेगी मेरी वीडियो से कौन कौन क्यूब सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों 3x3 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, मैं अभी तक भी आपको बोल रहा हूँ जाके सीख लेना, इस क्यूब के बिना आप ये सीख भी नहीं सकते, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।